SRM टुडे शहर की आवाज। मलेरिया विभाग द्वारा आगामी 1 जून से मलेरिया के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, जिसमें मलेरिया के लक्षण व उससे बचने के उपाय के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगामी 1 जून से मलेरिया को लेकर मलेरिया विभाग द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी। पिछले महीनों में भी मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाई गई थी। मलेरिया एक बुखार है जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर रात के समय काटता है। जब संक्रमित मादा एनाफिलिस किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह मलेरिया बुखार से ग्रसित हो जाता है। जब मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को एक स्वस्थ मादा एनाफिलिस काटती है तो वह संक्रमित हो जाती है। इस प्रकार मलेरिया का फैलाव होता है। मलेरिया से बचने के लिए उपाय भी हैं। मच्छरों की उत्पत्ति रोकने हेतु मॉडल बायलॉज बनाए गए हैं, उनके क्रियान्वयन करें। मलेरिया होने पर ठंड लगकर बुखार आना एवं पसीना होकर बुखार उतरना सामान्य लक्षण है। सर्दी व कंपन के साथ बुखार आना, एक दिन छोड़कर बुखार आना, उल्टियां और सिरदर्द होना, बुखार उतरने के बाद थकावट व कमजोरी होना मलेरिया होने के प्रमुख लक्षण है। मादा एनाफिलिस का जीवन चक्र 9 से 11 दिन में पूर्ण होता है। मच्छर सांप रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। अंडे से लार्वा 5 से 7 दिन में, लार्वा से प्यूपा 1 से 2 दिन में तथा प्यूपा से मच्छर 1 से 2 दिन में बन जाते हैं। यह मादा मच्छर करीब 30 से 45 दिन जिंदा रहता है। यह मच्छर 3 किलोमीटर तक उड़कर जा सकता है, मतलब इसकी उड़ान 3 किलोमीटर तक की होती है। यह मच्छर घरों में, घरों के बाहर नमी युक्त एवं अंधेरी वाली जगह पर पनपते हैं। मच्छर साफ रुके पानी में, जैसे नदी, तालाब, स्टाफ डैम, बारिश के जमा पानी में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया से बचने के उपाय भी है, जिसमें मच्छरों की उत्पत्ति रोकने हेतु मॉडल बायलॉज बनाए गए हैं, उनके क्रियान्वयन करें। ग्राम मोहल्लों में घरों से निकलने वाले पानी की उचित निकासी व्यवस्था, नालियां साफ रखकर करें। अवांछित जल संग्रह को मिट्टी भरकर समाप्त करें। दलदली जमीन को सुखाकर वृक्षारोपण करें। स्टॉप डैम, कुओं, नदियों के रुके पानी में लार्वा भक्षी मछलियां डालें। घरों के आसपास रखी बेकार सामग्री जिनमें पानी जमा हो सकता है हटाने की समझाइश देकर मच्छरों की पैदावार नियंत्रित की जा सकती है। बुखार आने पर तुरंत खून की जांच कराएं। मलेरिया की पुष्टि होने पर पूरा उपचार लें और खाली पेट दवा कभी नहीं लें। मलेरिया हेतु खून की जांच व उपचार सुविधा समस्त शासकीय अस्पतालों पर निशुल्क उपलब्ध है। आज आपने 1 से 5 का भ्रमण दिया है, भ्रमण करा है, जिसके अंदर आयुष्मान भारत योजना के जो सर्वे चल रहा है उसका सर किया, चिकन गुजरा का भी मैंने प्रचार करा, समूह चर्चा करी, समूह चर्चा भी की गई और उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिले, वार्ड में पार्षद वगैरह को इकट्ठा करके थोड़ा सा मलेरिया निरोधक दिवस मनाया जाएगा, उसके ये आपको जानकारी वगैरह दी गई। हाँ दी गई, वो भी जानकारी दी गई। और हमारा कल मलेरिया माह जून का जो प्रोग्राम है 1 तारीख से जो हर साल तैयार हो गया अपना, तो 9:30 अपन सभी लोग आपके द्वारा दिखे जाएंगे अपना अर्बन में 36-40 बार तो उसके लिए अपने को रथ का तैयार करके और सेवेटों का अक्षालय में 9:00 रखा गया है ना, तो समस्त कर्मचारियों को भी निर्देश देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में सभी तैयारी हो गई क्या सकता है जी हो गई अभी जून माह मलेरिया आ रहा है। 25 अप्रैल को हमने विश्व मलेरिया दिवस मनाया था, तो उसके लिए हमें GDC कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ की जो GNM की लड़कियाँ हैं वहाँ पे हमने एक कार्यशाला आयोजित करी थी और उसको हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था और उनको बताया गया था। फिर यहाँ पे रैली भी निकाली गई थी अपने यहाँ से जिला मलेरिया कार्यालय से और फिर 16 मई को विश्व राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था, उसके लिए भी हमने जगह जगह कार्यशाला रखी गई थी और प्रचार प्रसार किया गया था और माइकिंग करवाई गई थी अपने अर्बन क्षेत्र में। और कल से 1 तारीख है जो जून माह मलेरिया मनाते हैं, उसमें प्रचार प्रसार के लिए हम पैम्पलेट वगैरह छपवा के बंटवाएंगे शहर में और केबल के द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाएगा और फिर ब्लॉक लेवल पे भी ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे कार्यशालाएं हैं
पंचायत लेवल से भी होगा, जिसमें पंचायत के SDM वगैरह जो भी तहसीलदार के साथ में मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे और सभी लोगों को प्रचार प्रसार करके उसको जागरूकता के लिए फैलाएंगे। मलेरिया एक बुखार है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और उस मादा एनोफिलीज की मच्छर की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे आसपास जो भरे हुए गड्ढे होते हैं उसमें उसकी उत्पत्ति होती है, और जब पैरासाइट आ जाता है कहीं से तो उस पैरासाइट के द्वारा फिर उस मादा एनोफिलीज से फैलाव होता है। तो इसका हम उनको मतलब लार्वा सर्वे के लिए मोटिवेट करते हैं कर्मचारियों को। बारिश होने पे मच्छर जो मादा एनोफिलीज का मच्छर है और डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है, और जो जो गंदे नाली में पैदा होता है वो क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर होता है उसकी उत्पत्ति होती है, जिससे फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया अपने अपने मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया अपने यहाँ है। तो उसके लिए हमारे पास में टेमोफास है, लार्वा सर्वे के लिए हम जैसे लार्वा हो जाते हैं कई गड्ढों में, तो हमारे पास में टेमोफास दवाई है, उसका हम छिड़काव करवाते हैं मलेरिया विभाग के द्वारा। और मान लो कहीं मलेरिया निकल जाता है तो उसको जो एडल्ट मच्छर होता है उसको मारने के लिए हमारे पास में पायराथ्रम है, तो उसका स्प्रे करवाते हैं, फॉगिंग भी करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।